मंदीर सिंह साहब यहाँ मौजूद हैं। मंदीर सिंह साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, जो एक ख़ास तौर से कदम उठाया पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब ने, जो कि रास्ता ओपन किया कि गुरुद्वारे जो है वो तमाम हमारे सिख भाई जो हैं वो आ सकते हैं, और यहाँ के करतारपुर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो कैसा आपको लगा था? बिकॉज सिद्धू साहब भी आए थे, सिद्धू साहब ने भी आके जी बड़ी तारीफ की थी उस बात की, गए तो बड़ी चंगी गल हो गई जे थोड़े नाल पंजाबी च गल कर लांगे तो उर्दू च ही करनी है। सब तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखें जी, ये जो करतारपुर राहदारी ना, इससे पूरी जो सिख कौम है, पूरी दुनिया में जो सिख रहने वाले हैं, ये आप यकीन करें कि इमरान खान साहब पाकिस्तान ने सिखों के दिल जीत लिए। क्योंकि जो सिख दुनिया में कहीं भी रहता है ना, उसके दिल में जो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है ना, वो शायद दुनिया में किसी के दिल में होगी। क्योंकि हम पाकिस्तान को कहते हैं गुरु नानक की धरती है ये। सिख मजहब जो है वो पाकिस्तान से शुरू हुआ है। बाबा गुरु नानक जी ने शेखुपुरा में जन्म लिया, वहाँ उनकी पैदाइश घर है उनका, गुरुद्वारा ननकाणा साहब, और जो गुरुद्वारा करतारपुर साहब है, वो आखिरी जो जिंदगी के 18 साल उन्होंने वहाँ खेती बाड़ी की, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात वहाँ गुजारे। तो ये तो समझे कि काबिले सताइश है हमारे लिए, कम्युनिटी के लिए। अभी अभी आप रिसेंटली आप देखेंगे, आपको यूट्यूब पे नजर आएगा, जो यात्री जो वैसाखी के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे यात्रियों को वहाँ से वीजा मिला है जो इंडिया से आ रहे हैं या जो दूसरे मुल्क से आते हैं पाकिस्तान में, तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा सराहते हैं। और सिख जो है वो पाकिस्तान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं बिल्कुल हर। क्या बात है, हम कहते हैं जी सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है, चाहे हम पाकिस्तानी हैं या नहीं है। नहीं, आप पाकिस्तानी हैं भाई। मैं एक बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के सिख, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं पाकिस्तानी हूँ, यहाँ मैं पैदा हूँ, ये मेरा मुल्क है। तो अल्लाह ना करे कभी हमारे मुल्क पे अगर कोई ऐसी बात आई तो हम सबसे आगे नजर आएंगे। क्या आपको बात है, क्या और बात आपको पता है कि एक सिख जरा 1.25 लाख के बराबर है। क्या कोई मैदान च खड़ो जावे तो फिर बह जा हो जाती है। क्या बात, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं हुकूमत पाकिस्तान के जिन्होंने ये इतना अच्छा इकदाम किया। और इस साल जो ना बहुत ज्यादा सिख कम्युनिटी को वीजा मिले हैं आने के लिए, बहुत ज्यादा लोगों को मौका मिला है, और लोग जो है बहुत खुश हैं। जिस तरह से हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है ना कि एक बार हज या उमरा करके आ जाए, तो हर सिख के दिल में ये हसरत है, ये ख्वाहिश है कि वो एक बार पाकिस्तान आए और अपने गुरुओं की जो धरती है, जो हमारे गुरुओं के चरण छू प्राप्त जो गुरुद्वारा है, जो हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, उनको आके विजिट करें, वहां पर आए और वहां दर्शन दीदार करें और अपना जो जीवन वो सफल करें। क्या बात है, क्या बात है। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम है, जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।